हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेट इन फैंटेसी पर। इस वीडियो में आप देख रहे हैं फैनकोट एशियस टी10 हंगरी का जो 19th और 20th मैच खेला जाने वाला है, बुदापेस्ट ब्लाइंडर्स वर्सेस कोबरा क्रिकेट क्लब के बीच में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, देखिए अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कैसे ज्वाइन हो सकते हो, आप टेलीग्राम पर जाओ, जाके सर्च करो टारगेट इन फैंटेसी लीग के, वहाँ पर आपको 1.4K प्लस वाला जो चैनल दिखाई देगा वो चैनल आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन करना है। साथ में अगर आपको लिंक चाहिए हमारे टेलीग्राम की तो लिंक आपको मिलेगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर, तो लिंक में क्लिक करके भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। तो गाइस अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैच की बात करें, देखिए आज दो मैच है, एक है 4 बजे, दूसरा यहाँ पर 6 बजे इंडियन टाइम के अनुसार शाम को 6 बजे है। और जीबी ओवल स्कोजी लिगेट हंगेरी पर लिखकर सारे मैचेस होगा। थोड़ा सा क्लाउडी वेदर यहाँ पर रहने वाला है। पिच रिपोर्ट की बात करें, बेसिकली यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच रहने वाला है, साथ में यहाँ पर बोलर्स को भी थोड़ा बहुत मदद मिल सकते हैं। एवरेज स्कोर की बात करें 92 है। लास्ट 5 मैचेस की बात करें, देखिए बीयूबी ने 5 मैच खेल के 4 जीते, सीओबी ने 5 मैच खेल के 4 जीते, तो दोनों टीम के यहाँ पर बराबर के हैं, तो एक अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। हिस्ट्री रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, बीयूबी अभी तक 2 मैच खेला है सीओबी के अगेंस्ट और दोनों ही 1-1 बार करके जीता है। इस सीजन का विनिंग रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, अभी तक टोटल 16 मैचेस खेला गया है, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 11 और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 5 जीते। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखना चलना पड़ेगा कि देखिए जो टीम पहले बैटिंग कर रहा है उसकी जीतने की चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा टॉस रिपोर्ट को दिमाग में रख के टीम बनाना पड़ेगा। और आज की मैच प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं, बीयूबी की जीतने की चांसेस 30% और सीओबी की 70%, क्योंकि हम रिसेंट स्टार्ट्स को देखते हुए हम ये बता रहे हैं। अभी हम दोनों टीम के प्रॉबल प्लेइंग से विद बैटिंग वाला साथ में यहाँ पर प्लेयर रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए बीयूबी की तरफ से सबसे पहले अब्बास घनी ओपनिंग करेंगे, यहाँ पर अमजद अजीज के साथ। अब्बास घनी की बात करें, 1-11-0-31-7 रन, उसके साथ फुल टाइम बॉलिंग करते हैं, 2 ओवर बॉलिंग करेंगे, 1-1-2 और 1 विकेट निकाला। अमजद अजीज पार्ट टाइम बॉलर भी है लेकिन बॉलिंग नहीं मिली इनको अभी तक, 13-19-7 रन बनाया। असंका ओली गेम आगे 12-11-25-11-9-54 अच्छे टच पर है। महाज भाजी विकेट कीपरिंग सेक्शन पर आपको मिलेगी, नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे, 8-5-10-4-23-52 रन बनाया। अली फरसत नंबर 5 पर आएंगे, कैप्टनशिप कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, 1-8-1-0-0-27। नंबर 6 की बात करें, अली अलमाज 2-5-30-8-2-0-2 और 1 विकेट निकाला। डैनियल अकबर नंबर 7 पर आएंगे, 5 रन 1 रन, उसके साथ 1 विकेट, आपके लिए उतना अच्छा पिक नहीं रहने वाला है। उमर जाहिद ये भी आपके लिए उतना अच्छा पिक नहीं रहने वाला है। राहुल गोयल की बात करें, सिर्फ 2 मैच में 2-20 रन और 1 विकेट निकाला 4 मैच खेल के, आपके लिए उतना अच्छा पिक ये भी नहीं रहने वाला है। ईशान का मेंढावाड़ा 1 रन सदमे पर 2 विकेट और 0 विकेट निकाला। मेरा झरीस 2-0-1-0-1-1 बॉलिंग में आपके लिए अच्छे ऑप्शन बन सकता है। तो एक बार देख लीजिए व्यू की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल विकेट पर मस्ट पिक रहना चाहिए। अब्बास घनी है, ओहली गमागे है, माज भाजी है, अली अलमाज, राहुल गोयल और उसके साथ यहाँ पर देखिए मेरा झरीस, तो इनमें से आपको 4, 5, 6, 7 जितने चॉइस चाहिए आप ले सकते हो, आपके लिए हर एक प्लेस अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पर अभी बात करते हैं दूसरी टीम के सीओबी की तरफ से, देखिए जोगी सेगल 32-38-0 रन किए, सत्यदीप अश्वत नारायणा विकेट की रिस्ट्रिक्शन पर आपको मिलेगी 34-18-21, तो ये 2 ओपनर आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। 25+ का एवरेज लेकर चल रहा है, इस मैच में भी अच्छा कर सकता है। वन डाउन की बात करें, शेख रसिक 34-35-21 और 1 विकेट और 2 विकेट निकाला। संजय कुमार देखिए 14-25-37 रन बनाया, नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं। नंबर 5 की बात करें, विष्णु वासुदेव 1 रन 8 रन और सातवें पर 1 विकेट 2 विकेट निकाला, एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे, सातवें पर बॉलिंग में भी अच्छा रहा है। नंबर 6 की बात करें, मोहम्मद बुरहान 7 रन 0 रन, उसके साथ 2 विकेट भी निकाला। उस्मान मोहम्मद की बात करें, देखिए 12-0-0 रन और 1-1 टोटल 2 विकेट निकाला। मोहम्मद सुबान 10-15-7-6 विकेट ले रहा है बॉलिंग करके। आशुतोष माथुर 4 रन 0 रन, उसके साथ 1-2-2 विकेट, लास्ट 3 मैच में यहाँ पर 5 विकेट निकल चुके हैं। अरुण वेंकटराजन देखिए यहाँ पर नंबर 10 पर बैटिंग करेंगे, 1 रन, साथ में यहाँ पर 4 मैच खेल के 2 विकेट निकाला। भवानी प्रसाद अदापका यहाँ पर देखिए 1 रन के साथ साथ लास्ट जो 3 मैच खेले वहाँ पर 5 विकेट निकाला, तो ये भी आपके लिए बॉलिंग में तगड़ी ऑप्शन रहने वाला है। तो गाइस अभी देख लीजिए आप यहाँ पर सीओबी की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल विकेट पर मस्ट पिक रहने वाला है। जोगी सेगल, सत्यदीप अश्वत नारायण, शेख रसिक, विष्णु वासुदेव, आशुतोष माथुर और वेंकटराजन, तो ये 6 प्लेस अच्छा रहने वाला है। उसके साथ आप यहाँ पर भवानी प्रसाद को भी कंसीडर कर सकते हो एज ए सेफ पिक्स, ये 4, 5, 6, 7 में
आपको जितने चॉइस चाहिए आप ले सकते हो, आपके लिए हर एक प्लेयर्स यहाँ पर अच्छा रहने वाले हैं। तो अभी स्मॉल लीग की कैप्टनशिप और वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में बात कर देखिए, शेख रसिक है, संजय कुमार है, अब्बास घानी है, असंख ओहली गमगा है। तो ये चार प्लेयर्स को आपके स्मॉल लीग की टीम पर मास्ट पी कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, बिल्कुल सेफ है। गैन लीग पिक्स में देखिए, माज भाई जी है, विष्णु वासुदेव है, अली अलमज है, आशुतोष माथुर है, भवानी प्रसाद है। तो ये पाँच प्लेयर्स को आप गैन लीग पर एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, लेकिन जब आप इनके साथ कैप्टनशिप और वाइस कैप्टन के ऑप्शन पर जाओगे तभी आपको क्या करना पड़ेगा, टीम को सेफ रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए गाइस, आप एक टीम पर एट ए टाइम दो रिस्क नहीं ले सकते हो, एक ही रिस्क आपको लेना चाहिए। जैसे कि आप अगर कैप्टन वाइस कैप्टन को रोटेशन कर रहे हो तभी आपको प्लेयर्स को सेफ रखना पड़ेगा, अगर आप प्लेयर्स को रोटेशन कर रहे हो तभी आपको कैप्टन वाइस कैप्टन को सेफ रखना पड़ेगा। तो ऐसी थ्योरी मानकर आपको ग्रैंड लीग का टीम बनाना चाहिए। साथ में देखिए, अभी ग्रैंड लीग पर कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए आपके पास जितने ज़्यादा कॉम्पिटिशन, जितने ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, आपको उतना ही विनिंग चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, ग्रैंड लीग पर कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ पर आपको ग्रैंड लीग में क्या करना चाहिए, पहले आप 11 सेफ प्लेयर्स को लेकर अच्छा सा टीम बना लीजिए, सेफ टीम। उसके बाद दो से तीन प्लेयर्स मैक्सिमम, एक से लेकर तीन प्लेयर्स तक आपको रोटेशन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, टी20 लीग्स में ज़्यादातर ये होता है कि जो प्लेयर्स पहले से परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है वही आगे जाकर अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। 9 से लेकर 10 प्लेयर्स तक आपको यहाँ पर सेफ ही रखना पड़ेगा। तो फिलहाल ये रहेगा आपके लिए स्टेट फाइनल्स के बाद। अभी चलते हैं डी1 की तरफ, वहाँ पर हमने एक स्मॉल लीग का डेमो टीम बनाकर आपको दिखाएंगे, लेकिन वो हमारा फाइनल टीम नहीं रहने वाला है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी टॉस के बाद, लाइनअप आने के बाद। साथ में आपको वहाँ पर स्मॉल लीग के फाइनल टीम के साथ साथ ग्रैंड लीग के 4 से लेकर 6 कॉम्बिनेशन तक भी मिलेंगे। तो देर किस बात की, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग टीम्स के लिए अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन करो। अभी चलते हैं डी1 की तरफ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर विकेट कीपिंग ऑप्शन पर प्लेयर सबसे जो दो सेव ऑप्शन है वो है एम बाजी और एस अश्वत नारायण, बाकी यहाँ पर दो प्लेयर नहीं खेल रहा है तो आप इसको मत पिक कीजिए। बैटिंग सेक्शन की बात करें, देखिए ए अजीज, ए ओहली गमागे, उसके साथ और एक सेव प्लेयर जो रहने वाला है वी वासुदेव। आप चाहते हैं पर जे सेहल के साथ ट्राई कर सकते हो, एम सोबन और ए फरसाद आपके लिए ग्रैंड लीग पर अच्छे पिक्स बन सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें, ए घानी, एस रसिक, एस कुमार, ये तीन प्लेयर्स टॉप चॉइस पर रहने वाले हैं। साथ में पर आर गोयल, डी अकबर, वो जहीद आपके लिए ग्रैंड लीग पर अच्छा होगा। बॉलिंग सेक्शन की बात करें, देखिए एम हरीश, ए यलमच और ए माथुर आपके लिए सेफ बॉलर ऑप्शन रहने वाला है। अभी यहाँ पर कैप्टन से वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एस रसिक सेफ कैप्टन, ए घानी यहाँ पर सेफ वाइस कैप्टन रहने वाला है। सेफ करके आपको प्रीव्यू दिखा दूंगा, प्रीव्यू में थोड़ा सा ग्रैंड लीग के बारे में डिस्कस कर देंगे। देखिए यहाँ पर एस अश्वत नारायण, एम भाई, ये दोनों प्लेयर्स रहने वाले हैं विकेट कीपरिंग सेक्शन पर। ए ओहली गमागे, वी वासुदेव, ए अजीज, ये तीन प्लेयर्स रहेंगे बैटिंग में। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें, एस कुमार, ए घानी, एस रसिक, ये तीन प्लेयर्स रहने वाले हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। बॉलिंग की बात करें, ए यलमच, ए माथुर और एम हरीश। देखो गाइस, अभी स्मॉल का जो सेफ कैप्टन रहने वाले वो है हमारा एस रसिक और सेफ वाइस कैप्टन रहने वाले ए घानी। अभी ग्रैंड लीग के बारे में थोड़ा सा बात करें, देखिए सबसे पहले जो आपके लिए ग्रैंड लीग का अच्छा कैप्टन रहने वाला वो है वी वासुदेव, क्योंकि देखिए एक से दो ओवर बॉलिंग मस्ट भी करेंगे, साथ में यहाँ पर नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे, तो इसलिए ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया पिक रहने वाले। साथ में यहाँ पर ओहली गमागे, हर एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है। उसके साथ अश्वत नारायण और एम भाई जी, ये दोनों अच्छे पिक है। भाई जी यहाँ पर नंबर 4 या 5 पर बैटिंग करने आ सकते हैं, साथ में पर अश्वत नारायण ओपनिंग करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे प्लेयर है, पार्ट टाइम बॉलर भी है। और उसके साथ यलमच और ए माथुर, तो ये 6 प्लेयर के साथ आप बिल्कुल ग्रैंड लीग पर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाला है। तो ये रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग का डेमो टीम, फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिलेगी। तो अभी के अभी जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करके। और यहाँ पर अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हों तो यहाँ पर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहले मिल जाए। और एक अच्छा सा टीम बनाए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।